आप उसको कनेक्ट करेंगे विद द फैक्ट कि ऑब्वियसली ये वो वक्त भी है जब टेलीविजन ऑल्सो बिकेम अ बिग ह्यूज पार्ट ऑफ आर लाइफ. जैसे आपने कहा ना कि ऑब्वियसली सहाफत तो हम कब से कर रहे हैं, बट पहले हम जिस तरह सहाफत करते थे शायद एक उसके साथ एक कोई यू नो आइडेंटिटी इतनी नोन नहीं थी, एक सेलिब्रिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था सहाफ़ी के लिए. मोस्ट ऑफ अस वर इनविजिबल. ज़्यादा से ज़्यादा किसी की बायलाइन छपती थी, वो कैसे दिखते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तो नहीं होता. सो तो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. बिल्कुल. अच्छा मैं पहले अच्छा क्योंकि वो एक जो लिहाज था पहले सहाफ़ियों के साथ भी, ओवरऑल टीवी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी, वो तो सोशल मीडिया ने वैसे ही ब्रेक कर दिया बहुत ज़्यादा. फिर उसके बाद अब जो है वो दलील के से जवाब देने के बजाय आप कुछ भी लिख देंगे नीचे आके, शक्ल के ऊपर ज़रूर दो चार लोगों ने. फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, सबकी फैमिलीज़ भी होती हैं. फिर लोग, हमने देखा हमारे कॉलीग्स के साथ ये बहुत हुआ कि उनके ख़ानदान की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी गई, पर्सनली अटैक करना किया. तो ये एक फ़र्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं. तो अब मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत कुछ गुजरा पिछले कुछ दिनों में भी, तो काफ़ी इम्यून हो गए. अब शायद बहुत से लोग कमेंट्स भी नहीं पढ़ते, अब ये शिकवा ज़रा कम ही नज़र आता है, वो कहते हैं हम इग्नोर करते हैं. तो आई डोंट नो बाकियों के साथ कॉमेंट्स पढ़ती. अच्छा हालांकि गलत ये बात, सोशल मीडिया की सिर्फ बात करें. अच्छा सोशल मीडिया में भी बड़ा फ़र्क है, ये मैंने बड़ा इसको क्लोजली वॉच किया. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से एक शो करती हूँ जिस समय, सो जब मैं वो वीडियो फेसबुक पे पोस्ट करूँगी तो 10 में से 6 लोग मुझे कहेंगे सर पे दुपट्टा ले लेती ज़्यादा अच्छी लगेंगी आप. अच्छा फेसबुक पे. ओके. अच्छा ट्विटर में मुझे 10 में से 4 या 3 लोग कहेंगे कि सर पे दुपट्टा ले लें आप बेहतर लगे. अच्छा मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ ना तो मुझे कोई एक बंदा भी नहीं कहता कि आपने सर पे क्यों दुपट्टा लिया. तो आई थिंक ये तीनों जो इसमें ऑडियंस है वो मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स और मुख्तलिफ बैकग्राउंड और कोर बिलीव्स के साथ, तो ये होमोजीनियस नहीं है पूरा सोशल मीडिया. हैविंग सेड दैट, यस जब हम बात करते हैं तो एक आवाज़ जो आपके पास है उसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करना है. सोशल मीडिया के आने के बाद हम भी वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं. कैंसल कल्चर आ गया. अब मैं भी कुछ पहले सोचती हूँ बात करने से पहले कि ये कैंसल कल्चर का शिकार ना हो जाए. मैं अगेंस्ट हूँ कैंसल कल्चर के. वी आई थिंक वी शुड कैंसल कल्चर ऑल्सो. हमें लोगों को गलतियाँ करने का लेवरेज देना चाहिए और हमें लोगों को इस बात का भी लेवरेज देना चाहिए आरफा कि अगर 7 साल पहले मेरे कुछ और ख्यालात थे तो हो सकता है कि मैंने वो तब्दील करके आज इस जगह खड़ी हूँ. अगर आप आज भी वहीं खड़े हैं बहुत सारी बातों में जहाँ 10 साल पहले थे, तो आपके लिए थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है कि आप इवॉल्व नहीं हो रहे. मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल साइड बदल दें, लेकिन एक इशू के ऊपर अगर 10 साल पहले मुझे मेरी कम इलमी थी और मेरी जो उस पर पोजिशन थी वो एक इग्नोरेंस की बेस पर थी, अगर आज वो इन्फॉर्म्ड और बेहतर पोजिशन है जो पहले से डिफरेंट है, तो आपको लोगों को इतना मार्जिन देना चाहिए.